वीडियो में हम लोग मस्तक नहीं झुकाएंगे, क्या क्वेश्चन आंसर्स अभी हम लोग कर लेंगे। यह कविता किसे संबोधित करके लिखी गई है? तो कविता भारत के वीर सपूतों को संबोधित करके लिखी गई है। सेकंड क्वेश्चन है, इस कविता के रचयिता कौन हैं? तो कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट में आओगे, धीर वीर गंभीर कौन हैं? तो धीर वीर और गंभीर भारत के सैनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में शांति दूत किसे कहा गया है? तो देश के नौजवानों को कविता में शांति दूत कहा गया है। अब आओगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, यानी लघु उत्तर वाला में, नवीन भारत का क्या अर्थ है? नवीन भारत का अर्थ है स्वतंत्र भारत। कविता में किन किन नदियों का उल्लेख हुआ है? कविता में गंगा और यमुना नामक नदियों का उल्लेख हुआ है। भारत के नौजवान किसके वंशज हैं? इसका आंसर लिखोगे, भारत के नौजवान वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप के वंशज हैं। इसके बाद घ में आओगे, भारत के नवयुवक किसकी पहरेदारी करते हैं? तो भारत के नवयुवक ऊंचे हिमालय की पहरेदारी करते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन आंसर्स हो गया। हिंदी 2 की कॉपी में जब सारांश लिख लोगे कविता का, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स कर लोगे। और ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, दीर्घ वाला नहीं करना है तुम लोगों को, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बुक में ही अभी कर लोगे, तो इसको बुक में ही रहने देना। बाकी उधर वो क्वेश्चन जो पहले हम लोगों ने किया है उसको कॉपी में करना है। तो सबसे फर्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव वाला में, कविता में प्रभात की नई किरण का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ये सैनिकों के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में किस महासागर का उल्लेख हुआ है? तो यहाँ दिया हुआ है हिंद महासागर का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है, धरणी से क्या अभिप्राय है? तो धरणी का अभिप्राय होता है धरती। तो ये तुम्हारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स भी तुम लोग का कंप्लीट हो गया। इसको कॉपी में ऑब्जेक्टिव वाला को छोड़ के जो भी जितना भी यहाँ पे हम लोगों ने किया, फर्स्ट क्वेश्चन जो मौखिक है या तुम्हारा लघु उत्तरीय प्रश्न है जो लिखित है, सभी को कॉपी में लिख लेना है। पहले सारांश का काम करना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हिंदी 2 की कॉपी में करोगे। बाय।